महाराज जी महाराज जी पीछे कोई बात करिए ये साइड से आप लोग आप जरा साइड भाई साहब भाई साहब भाई साहब जरा साइड अच्छा जी महाराज की अंदर हो गया कोई सामने सटो भाई सामने सटिए इनको हटाइए सामने सटाइए इनको तुमने बहुत अच्छा कराया काशी में आप जाइए बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जिस मजबूती के साथ हो रहा है हर भारतीय गौरव की अनुभूति कर सकता है। काशी विश्वनाथ धाम है, काशी के विकास को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम वहां चल रहे हैं, आपने प्रयागराज कुंभ को देखा होगा, आप सभी पूज्य संतों का सानिध्य वहां पे प्राप्त हुआ होगा, आपने देखा होगा कुंभ पहले भी होते थे लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ कैसे हो सकता है। प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था, सुरक्षा सुव्यवस्था और वहां पर स्वच्छता को लेकर के जो मानक स्थापित हुए और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और सानिध्य था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। कितना भव्य आयोजन जिसके लिए आप संघर्ष किए थे, हमारी पीढ़ियां लगी थी, आज उस कार्य को भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अयोध्या विश्व मानचित्र पर दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है और ब्रज क्षेत्र यहाँ तो यहाँ के कण कण में हम लोगों को ईश्वर का वास दिखाई देता है, कितनी पावन धरा है। और इस विषय आप सबका सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है, आप सबके दर्शन करके मुझे और मेरे सहयोगी मंत्रियों को जनप्रतिनिधियों को आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबके का आशीर्वाद वृंदावन इस महत्वपूर्ण जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन यहाँ पर आयोजित होता है इसके निमित्त प्राप्त हो, इसको पूरी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ा सकें। क्रमबद्ध ढंग से वृंदावन जिस सम्मान का हकदार है वह सम्मान वृंदावन को और इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आपका सानिध्य निरंतर बना रहे इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राधे राधे। मदिरा इत्यादि ये जो तामसिक वृत्तियां यहाँ नहीं होनी चाहिए जी। गंगा जी का दर्शन जैसे होता है ऐसे यमुना जी का होना चाहिए। यमुना जो है वो निर्बाध और अबाध गति से निर्मलता के साथ प्रवाहित हो, ऐसा संतों ने योगी जी से कहा और उन सब संतों ने अपने हृदय की प्रसन्नता व्यक्त की क्योंकि कुंभ की जो तैयारियां हो रही हैं उससे महासंत बहुत प्रसन्न हैं। वृंदावन की पवित्रता के लिए और साथ साथ उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के विकास की भी बातें हुई। सबसे ज़्यादा वृंदावन के लिए बात हुई कि ये जगह मांस शराब और अंडों से मुक्त हो, तीर्थ क्षेत्र घोषित हो, जिससे पूरे वृंदावन क्षेत्र में कहीं ये अपवित्र वस्तुएं जो लोगों का मन खराब करती हैं, बाहर से आने वाले लाखों करोड़ लोगों का, भक्तों का मन अच्छा रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया है। कुंभ क्षेत्र का और विकास हो इसके लिए भी चर्चा हुई है, उन्होंने स्वीकार किया है। और बसंत माह में जैसे माघ में प्रयागराज में होता है तो बसंत में यहाँ पर एक विशाल कुंभ हो इसके लिए भी चर्चा हुई है। काफ़ी योगी हैं
और स्वयं साधु हैं, तो साधुओं से मिलकर संतों ने कुंभ की मांग की है कि यहाँ भी बसंत में कुंभ लगे। ये बसंत में एक कुंभ लगे प्रयाग में, वहाँ लगे और इस महीने में बसंत में यहाँ लगे वृंदावन में, बड़े तौर पर हम लोग आयोजन कर लेंगे, हम लोगों ने ऐसा कहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया।